अब रुक करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर की ओर। देश में 1 सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बाद कई ऐसे मामले सामने आए हैं यहाँ पर यातायात का नियम तोड़ने पर लाखों रुपए का जुर्माना देना पड़ा है, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है। इस बीच ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक चालान काटते हुए कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बीच एक महिला अचानक से आकर मोबाइल पर लाइव कमेंट्री करने लगती है। करीब 10 मिनट के इस वीडियो में महिला का दावा है कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी, तभी 30,000 कोर्ट के पास उसे कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान काटते हुए दिखे। महिला उन पुलिसकर्मियों के पास एक गाड़ी दिखाते हुए कह रही थी कि ये गाड़ी यहाँ पर तैनात एक कॉन्स्टेबल की है, जिसके शीशे काले हैं, गाड़ी के कागज नहीं है और भी बहुत सारी कमियां हैं। महिला और उसका भाई लगातार ट्रैफिक पुलिस से बहस करता रहा और आखिरकार उसने उस गाड़ी के कई तरह से चालान भी करवाए। आप भी देखिए महिला द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। गुरु जी, वी आर पेओम मॉडल टाउन। हम लोग इस टाइम तीर्थधारी कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जहां पर ये गाड़ी 20 नंबर ब्लैक शीशे, और ये देखो इस पुलिस वाले भैया की गाड़ी है, और ये पुलिस वाले हमें झूठ बोल रहे हैं, हमारी गाड़ी नहीं है। ये कितनी गाड़ी है ये भैया बताइए, ये कितने दिन से आ रहे हैं भैया? ओम प्रकाश जेडो, अपनी अपनी वो मोबाइल हटाई जरा, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मिस्टर ओम प्रकाश ASI, ये हमें झूठ, हमें अपनी चीजों से डिनाई कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी नहीं है। वी आर गोइंग टू बी चांदनी चौक, हमने रास्ते में रुके, आप इसका चालान करो, आप इसका चालान करो, आप इसका चालान करो। एक मिनट, अब आप जवाबदारी दे, ब्लैक फिल्म कह रहे भाई की गाड़ी, कोई अगर ये कल को इस गाड़ी में कोई रेप हो जाए, इस गाड़ी में, इस ब्लैक पिक्चर की गाड़ी में कोई रेप हो जाए, इस गाड़ी में कोई रेप हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये पुलिस वाले जो हम लोगों को पागल बनाते हैं और ये कानून का उल्लंघन कर कानून को दांव पे रखकर ऐसी गाड़ियों में अपने रिश्तेदारों को घुमा के रेप की साजिश बनाते हैं। ये पुलिस वाले दारू चलती है, इन गाड़ियों में रात को दारू चलती है, और ऊपर से पुलिस वाला हमें कहता है कि मेरी गाड़ी नहीं है। तो प्लीज पब्लिक, यू आर बी अवेयर फॉर दिस न्यूज एंड इसको जितना भी हो सके फॉरवर्ड करें। चालान करो भैया। तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी में आप ब्लेम क्यों लगा रही है? 9834 करो ना भैया चालान, आरसी मंगाओ। देखो अवेयर होना चाहिए पब्लिक को, विदाउट एक मिनट, विदाउट आरसी पोल्यूशन नंबर प्लेट। हेलो इतना जो भैया, नहीं आएगा एट प्रेजेंट, इसके पास क्या है? इसमें सब उठा जाएगा, इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? आप इनकी बातें सुनो। नहीं सर, एक मिनट, नहीं है, नहीं जी देख लो, मैं बना सब जाएगी जो नहीं होगा भैया, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन है। मेरी बात सुनो, मुझे हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी गाड़ी दिखाऊंगा, आता है नहीं आता। आप हमारी गाड़ी के पेपर मांगते हो ना, छोड़ो ना, मेरी बात देखते हो ना, अगर आने के बाद भी पेपर देखते हो ना, इधर तो लो पहले, इधर आपकी गाड़ी में पोल्यूशन है। हां जी सर, मेरी गाड़ी सारी पेपर पूरी, शो मी योर पेपर, दिखाओगे? नहीं, मुझे एट प्रेजेंट पेपर चाहिए, कोर्ट का रूल है कि एट प्रेजेंट पेपर चाहिए। कोर्ट का रूल आप हमारी ऐप पे देख के देते हो? ये गाड़ी विशाल टवास जो बोरीगढ़ में चौक पे
कॉन्स्टेबल है ट्रैफिक का, ब्लैक शीशे है, नंबर डिफॉल्टेड है, पोल्यूशन कराऊंगी मैं आपको, पोल्यूशन है नहीं, लाइसेंस है नहीं सर, लाइसेंस दिखाओ सर, लाइसेंस दिया मैंने आपको, और इसका जेटो चलान नहीं काट रहा, और हमें कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट देख ले वो ऑन मशीन देखो, मेरी तो नहीं है, मुझे तो पता है हमारी दुकान में थप्पू है, हमें तो करवाना है, तुम अपने बताओ, पुलिस वाले की गाड़ी के ब्लैक शीशे, गाड़ी का नंबर प्लेट, ये रेप कराने की कोशिश करते हैं लोगों का, साले पागल बनाते हैं, पेपर देख रहे हैं भाई, ऑनलाइन की गांड मारो, ऑनलाइन देख रहे नहीं हमें, ऑनलाइन हमारे देखते हो तुम, ऑनलाइन हमारे देखते हो, ऑनलाइन बोलो बोलो, हमारी देखते हो ऑनलाइन पेपर, हमारी भी तो चलान मारते हो, नहीं है तो चलान जी, इतनी देर लगती है हमारे चलान कटने में, देखा लग रही है, दे आर वेरी स्मार्ट, अरे आ ही जाते हैं, अरे मैं गाड़ी इनको सस्पेंड ना कराऊं, मेरा नाम नहीं, मैं गाड़ी बॉन्ड करवाऊंगा, नहीं हम रुके इनको देख के, इन्होंने हमें नहीं रोका, हम इनकी गाड़ी देख के रुके हैं कि दिल्ली में ऐसी कौन सी गाड़ी जो ब्लैक शीशों में चल रही है, एक निर्भय कांड हो चुका है, दूसरे को बढ़ावा ये पुलिस वाले दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस की फाइल शो कर रखी है बदमाशी जानने के लिए, देख लिया कह रहे कोर्ट की गाड़ी है, कोर्ट वालों की, कोर्ट वालों को तुम छोड़ते हो, पागल समझ के रखा हुआ है, एक कांड हो चुका है दिल्ली में लेडीजों के साथ, तभी तो वारदातें बढ़ रही है, सारे तुम रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, दिस इज द विशाल डबास, दैट द मैन ऑफ द नंबर इज दिस 9990228887, आप चलान क्यों नहीं काट रहे हो, एक काम करो हजार यार में सबको रिश्वत दे दो, हाँ हम भी तो देते हैं, हम भी तो देते हैं, भाई सब ठीक है, पहले बात तो सुनोगे आप, हजार हजार में जो भैया जो जेन्युइन बात है वो करना, जो जेन्युइन बात है हजार रुपए सबको बांट दो, ये एक केजरीवाल को भेजो, ये अरे केजरीवाल मेरा भाई है, मैं अभी जा ही रही थी कोठी पे, किस बात का, मुझे बताओगे क्या क्या धारा लगाई है आपने, ऐसे नहीं काटोगे, ऐसे नहीं का, हाँ ठीक है, और नंबर प्लेट का, हाँ ठीक है, आरसी और आरसी कायम की आरती दिखाओ ना, पूछ लिया हमने, नहीं है डॉक्यूमेंट ना, हाँ नहीं हेलो ये गलत काम नहीं, विदाउट लाइसेंस है, विदाउट आरसी, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पोल्यूशन, देखा भैया विदाउट पोल्यूशन, विदाउट लाइसेंस तो है, नहीं बंद तो नहीं, चलान काटके, चलान काट के बंद कराएंगे, हाँ बस इंपाउंड कराएंगे हम, इंपाउंड तो करवाऊंगा मैं, चलान तो करो पहले आप, चलान की रसीद दिखाओ, हम उसकी फोटो खींचेंगे, हम भी तो वीडियो बता देंगे कि वीडियो चल रही है, सबको दिख रहा है, लाइव आए हुए हो आप लाइव उस टाइम जो आपकी ड्यूटी है वो करो, मैं शो करूंगा, वो आप कोर्ट का दोगे, मैं देखूंगा उस वहाँ पे कितना पेनल्टी लगी है इसको, अगर अगर इसका इनका साथ दिया गया तो मैं वहाँ भी ऐसे ही फेरूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स की फोटो लूंगा, के लिए तो सबके लिए, पुलिस वाले गाड़ी देखो ब्लैक शीशे, इन्हीं की गाड़ी क्या, हाँ इन्हीं की है, मैं ना हम जा रहे थे चांदनी चौक, इन्होंने गाड़ी में सामान निकाला, हां जी एक क्रेन से गाड़ी बॉन्ड करनी है, आप इधर ही आ जाओ, अभी नहीं नहीं अभी पहले चलान करो, बस तो चलान, उसके बाद आयु को फोन मिलाएंगे, मैं संजय भाटिया को फोन मिलाऊं, कोई दिक्कत नहीं, मिलाऊं वो पहले ट्रैफिक में ही था ना, अब क्राइम में आ गया, जब लोग परेशान होते हैं ना, भिदकते अपने घरों से, कैसे देते हैं चलान के पैसे, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम रूल तोड़ रहे हो, कपिल चोपड़ा, क्या क्या लाना विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पोल्यूशन, ठीक है, और विदाउट आरसी का नहीं होता,
चलो ये पूरी गाड़ियां नो पार्किंग, आप उसकी बात मत करो, उसकी बात करो, वो आपकी झूठी है, वो आपकी झूठी है। नो पार्किंग जोन का भी कटेगा, कटेगा ही कटेगा। ये आपने अभी 23,000 का भी कटा था, उससे आरती नहीं दी। जितना वायलेशन है उतना मैं मान रहा हूँ, जितना वायलेशन है इसमें जितना मैं मान रहा हूँ, कर रहा हूँ ना उसका, बस आरसी का काटो, यूसी का कर दिया, आरसी का इंश्योरेंस का, वो सॉरी इंश्योरेंस का पॉल्यूशन का। आरसी क्यों नहीं सर, विदाउट डॉक्यूमेंट होता आरसी का नहीं होता, क्यों नहीं होता आरसी का? आपके पास दिल्ली के 30,000 कोर्ट के पास उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां से गुजर रही एक युवती की नजर एक काले शीशे वाली कार पर पड़ी। युवती ने पूछताछ की तो पता चला कि ये कार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही की है। महिला ने इसके बाद हंगामा शुरू कर दिया और हुंडई एस्टेंट कार के चालान कटवाने की बात पर अड़ गई। महिला का दावा था कि इस गाड़ी के कई कागज पूरे नहीं है। महिला ने हंगामा किया तो वहां भीड़ लग गई, भीड़ भी महिला की तरफ हो गई और सिपाही की कार का चलान कटवाने को लेकर दबाव बनाने लगी। बवाल बढ़ता देर आखिरकार पुलिस कार ने सिपाही की कार का चलान काट ही दिया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने बताया कि काले शीशे वाली कार चलाने वाले सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है। चलान कटवाने पर अड़ी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना 30,000 कोर्ट के पास सब्जी मंडी ट्रैफिक सर्किल पर मंगलवार को हुई। कोर्ट के नजदीक रेड लाइट के पास काले शीशों वाली कार खड़ी थी। एक युवती की नजर कार पर पड़ी, फिर उसे मालूम हुआ कि ये कार सिपाही विकास डब्बास की है जो उस वक्त कार का गेट खोल रहा था। महिला ने कहा कि सिपाही की कार का चलान क्यों नहीं काटा जा रहा है। इसके बाद वह चलान कटवाने के लिए अड़ गई, जबकि सिपाही का कहना था कि वह कार उसके भाई की है। इस सिपाही की कार का चालान नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किया गया है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।